हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाडी डिलीशियस फॉर योर किचन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी और प्रेशियस रेसिपी है हमारी, ये यमी एंड बहुत ही यमी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हम बनाना। और आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे आप कैसे पिज्जा सॉस बना सकते हैं। यस राइट, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लिया है। ऑलिव ऑयल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिज्जा सॉस में। तो करीबन 3 टेबलस्पून आपको पिज्जा सॉस लेना है अगर आप लार्ज साइज पिज्जा बना रहे हैं तो। या ओके, एंड इसे हीट कर लेंगे हम। ऑयल हीट अप हो जाए, हमें यहाँ पे देखिए चॉप गार्लिक्स ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया गार्लिक। तो आपको थोड़ा फाइन चॉप करना है। यस, बहुत ही फाइनली चॉप करना है। आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे से फाइन चॉप किया है गार्लिक को। और अभी इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही आपके ये गार्लिक अच्छे से ब्राउन और गोल्डन हो जाए, इसमें हमें टोमेटो प्यूरी, देखिए इस तरह से हमें ये टोमेटो प्यूरी डालनी है। आप नॉर्मली 2 टोमेटो को प्यूरी करके डाल सकते हैं। वो नॉर्मल टोमेटो की प्यूरी भी डाल सकते हो। हाँ, 110% डाल सकते हैं। ये तो मेरे पास ऑलरेडी प्यूरी है तो मैं बॉटल प्यूरी डाल रही हूँ। नॉर्मली आप इसे टमाटर को प्यूरी करके आप डालिए। और अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे टमाटर को। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल पिज्जा। हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा ना मैदा ना आटा, आलमंड फ्लोर यूज करके। देखिए ये आलमंड फ्लोर हम इस तरह से कॉस्को से लेकर आए हैं। तो ये आलमंड फ्लोर यूज करके, इसमें बिल्कुल कार्ब्स नहीं है और ये बहुत ही हेल्दी पिज्जा बन के तैयार होगा। तो चलिए उसका डो बनाना शुरू करते प्रगति। बिल्कुल। तो देखिए हमने करीबन 150 ग्राम्स, तो ये पिज्जा हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ये हमने 150 ग्राम्स चीज ग्रेट कर ली, मोजरेला चीज है ये। इसमें अब मैं क्या करूंगी, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। ठीक है, सॉरी दिस इज बेकिंग पाउडर, आई विल रेक्टिफाई मायसेल्फ, दिस इज बेकिंग पाउडर। और इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। ठीक है, इसमें हम ओरिगैनो डालेंगे। देखिए इसी डो, मतलब इस चीज में डालना हमें ये सब कुछ। ठीक है, इसमें मैं ओरिगैनो डालूंगी। देखिए मेरे पास ये गार्लिक, मिस्टर डैश गार्लिक, गार्लिक एंड हर्ब्स, गार्लिक एंड हर्ब्स है, तो ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं हल्का दूध डालूंगी, करीबन 1/2 कप, देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसे दूध इतना डाल के, 1/2 कप दूध डाल के, इसमें थोड़ा दूध और जाएगा इस तरह से। और ये मैं अब इसे माइक्रोवेव कर दूंगी 1 मिनट के लिए। तो देखिए ये चीज, बेकिंग पाउडर, नमक और इन सबको डाल के मैं 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर दूंगी इस तरह से, 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव। और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है एक्चुअली। अगर आपको पिज्जा की क्रेविंग हो रही है और अगर आप डाइट पे हैं तो ऑफकोर्स आप ये खा सकते हैं। और साथ ही देखिए हमारा ये पिज्जा सॉस भी ऑलमोस्ट देखिए रिड्यूस हो चुका है। टमाटोज पकने लग गए हैं। तो इसमें मैं अब क्या करूंगी, इसमें हम नमक डालेंगे। आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं। देखिए इसमें भी मैं वो सेम मेरा जो गार्लिक हर्ब्स है ना प्रगति, ये देखिए ओरिगैनो, काफी सारा ओरिगैनो जाएगा क्योंकि ये पिज्जा सॉस बना रहे हम, तो इसमें ओरिगैनो जाएगा। और ये देखिए मैं गार्लिक मिक्स हर्ब डाल रही हूँ इसमें। आपके पास किसी भी तरह का जो भी हर्ब है वो डाल सकते हैं आप इसमें। तो इस तरह से मैं अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसकी बहुत अच्छी पिज्जा सॉस जैसी खुशबू आ रही है अच्छे से। देखिए हमारा चीज भी बनकर हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो चुका है। यस, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से अब मेल्ट करेंगे। प्रगति आपको ये दिख रहा है किस तरह से मेल्ट हुआ है? ये एक्चुअली पूरा मेल्ट हो चुका है, बस इसको आई थिंक अब देखिए मैं स्टोर करूंगी इसमें। और देखिए बिल्कुल लिक्विड हो गया है। राइट प्रगति? हाँ, ये एकदम अच्छे से हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 2 कप आलमंड फ्लोर डालना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज मैजिक कि आप बिना मैदे बिना आटे के किस तरह पिज्जा बना सकते हैं और अपनी क्रेविंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
पिज्जा की क्रेविंग तो सभी को होती है, 100% होती है. स्टिल इट्स वेरी अनहेल्दी, बट वो मैदा वाला तो ठीक है. देखिए इसमें मैं 2 कप आलमंड फ्लोर डाल रही हूँ. ये आलमंड फ्लोर या हम कॉस्को से लेकर आए हैं, बट जनरली ये हर जगह अवेलेबल है. अगर आपको कहीं ना मिले बहुत इजीली तो ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है. ओके तो देखिए इस तरह से मैं अब इसे मिक्स कर लूँगी और इसे एक डो की तरह फॉर्म हो जाएगा. आप देखिएगा, देखिए इस तरह से प्रगति आप देख रहे हैं ना किस तरह ये डो बनने लग गया है. अगर आपको ये हल्का थोड़ा गीला लग रहा है तो इसमें आप और आटा मिला सकते हैं. तो मैं इसमें और आटा मिला दूंगी. देखिए इस तरह से देख रहे हैं प्रगति, ये ऑलमोस्ट डो का कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहा है. देखिए इस तरह से अब इसे हम थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे, क्योंकि चीज जब अपना कंसिस्टेंसी वापस करेगी तो okay, वो ऑफ कोर्स और ये टाइट हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा पिज्जा सॉस भी ऑलमोस्ट बन गया है, बिल्कुल रेडी है. देखिए बन गए. इसमें आप चाहें तो और ओरिगैनो और गार्लिक मिला सकते हैं. मैं थोड़ा थोड़ा और मिला देती हूँ इसमें ताकि वो अमेजिंग टैंगी टेस्ट आए एक्चुअली पिज्जा का, राइट. तो देखिए इस तरह से हमारा पिज्जा सॉस बन के बिल्कुल रेडी है. देखिए इधर हमारा आटा आई गेस बिल्कुल रेडी है. तो देखिए हमारे पिज्जा पैन पे, ये हमारे पास पिज्जा पैन है. तो ये पिज्जा पैन पे मैं हल्का ग्रीसिंग कर लूँगी, ठीक है, ताकि चिपके नहीं रहे, ताकि ये अच्छे से पके भी, नीचे से क्रिस्प भी हो और ये नीचे से लगे भी ना. ओके ठीक है, तो इस तरह से ये पिज्जा आप ग्रीस कर देखिए. इस तरह से आपका ये होने लगे, बाइंड होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका डो बिल्कुल रेडी है. ओके तो जैसे ही आपका डो रेडी हो जाए आप इसका हाफ पोर्शन लेके इसे इस तरह से देखिए, देखिए इस तरह से इसे मैं एक थोड़ा सा बाइंड करवा लूंगी और इसे पैन पे रख के तेल वाले हाथों से मैं इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लूंगी ट्रे पे. ये देखिए आप राशि कैसे अपना पिज्जा का बेस बना रही है. तो प्रगति जो इसकी चीज है जो हमने डो में डाली है और जो ओरिगैनो डाला है, है ना, जो हर्ब्स डाले हैं, उसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा. अब देखिएगा ऑफकोर्स राशि पिज्जा बिना चीज और हर्ब्स के बिना कहाँ अच्छा लगता है. तो इस तरह से आप ये एक करेक्ट कंसिस्टेंसी में आप इसे फैला लीजिए और अब इस पे विदाउट और कुछ लगाए हमें तो जैसे एक बार ये आप अपना स्प्रेड कर लें डो जो है पिज्जा डो, उसके बाद हमें इसे पीक पोक करना है. क्यों रहा है राशि से तक कि नीचे का बेस अच्छे से पक बेस जाए, क्रिस्प हो जाए और ये फूल भी जाएगा. ओके अदरवाइज यस, तो ये हमें फूलना नहीं तो है. तो आई थिंक इम्पोर्टेंट स्टेप है, राइट राशि स्टेप है. तो इस तरह से वैसे भी हम जब अगर मैदे का बेस अभी बनाते हैं तो भी हमें ये पोक्स तो करने ही ओके ताकि ये बेस फूले ना, राइट. करेक्ट, तो आप देखिए कि राशि कैसे कर रही है पोक से, आप भी वैसे ही करिएगा. अब देखिए ये जो मेरा एक क्रस्ट बनकर रेडी है इसे मैं ओवन में डाल दूंगी विदाउट एनी टॉपिंग और एनी कुछ. तो पहले हमें क्रस्ट पकाना है. अच्छा, उसके बाद हम टॉपिंग्स डालेंगे. टॉपिंग्स का भी हम ये इसका डिफरेंट टॉपिंग का वो होता है. और राशि आपने ओवन को कितने पे प्री हीट किया है? तो मैंने ओवन को आप देखिएगा 375 degrees Fahrenheit पे प्री हीट कर दिया. ओके अब ध्यान रखिएगा ये हमारा ओवन फ़ारेनहाइट में चलता है, तो अगर आपकी ओवन की सेटिंग चेंज है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो देखिए इस तरह से मैं अपना जो ये क्रस्ट है इसे अंदर रख दूंगी. तो अभी हम क्या कर रहे हैं राशि नेक्स्ट? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो आलमंड फ्लोर का क्रस्ट है ये वेजीज के साथ पक नहीं सकता. ओके ठीक है, क्योंकि वेजीज को पकने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. अच्छा. तो हम इसे अलग से रोस्ट कर लेंगे. ओके, ओके. ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए. करेक्ट करेक्ट. तो देखिए ये टॉपिंग्स में हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया है, सिर्फ अनियंस और ग्रीन पेपर्स लिए हैं.
बट आप अपने फेवरेट टॉपिंग्स आपको जो डालना है, पाइनएप्पल, हैलपीनोस, ऑलिव्स, आप सब कुछ डाल सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने ये मेरी जो टॉपिंग्स हैं, जो वेजीज हैं, इनको भी इसी तरह मैं करूँगी, थोड़ा सा नमक ताकि ये बेस्वाद ना लगे। नमक, इसमें हल्का ऑरिगैनो और हल्का जो मेरे पास गार्लिक हर्ब है, ये आई थिंक गार्लिक हर्ब का राशि एक अलग टेस्ट आता होगा ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप मैनेज कर सकें कि आप वो डालें तो बहुत अच्छा लगे। देखिए इसे मैं हल्का हल्के हाथ से थोड़ा इसे इस तरह से मिक्स करके इसे भी अवन के नीचे वाले ट्रे में रख दूंगी ताकि इसका ऑलरेडी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। प्रगति ठीक है? ठीक है, देखिए इस तरह से ये चला जाएगा। देखिए जैसे आपकी ये जो वेजीज हैं वो इस तरह से रोस्ट हो जाएं कि ट्रांसलूसेंट हो जाए आपका अनियन, तब आप इसे बाहर निकाल लीजिए। और बाकी हमारा जो क्रस्ट है वो ऑलरेडी अंदर है, आप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का बेस पक चुका है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रिस्प क्रिस्पी हुआ ये, काफी गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे हमें ये करने में। तो देखिए ऑलमोस्ट कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है, बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा बिल्कुल। तो आप अगर ये मान लीजिए अगर ब्रेक हो रहा है तो इसे वापस रखिए, ठीक है, तुरंत ही ओवन में। तो आपको इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि बिल्कुल ब्रेक ना हो, ठीक है प्रगति? ठीक है, इस तरह से। और फिर जब ये एक बार आप ये सारा कुछ अंदर से मतलब वो कर लें तो ये हमें फ्लिप करना है इस तरह से। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा ये नीचे से भी पक गया है, ठीक है। अब इसकी टॉपिंग का टाइम आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो हमारा पिज्जा सॉस हमने बनाया था प्रगति, वो पिज्जा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर, अच्छे से स्प्रेड करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, आई कैन नॉट वेट टू ईट दिस एक्चुअली, इसमें ऑलरेडी सारी इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें लग चुकी हैं। देखिए तो हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे आपको, कीप चेकिंग इट कि ये कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है अवन में। और इस तरह से आप इसको देखिए पूरे कोने कोने तक हम इसका जो पिज्जा सॉस है वो लगा देंगे। उसके बाद जो हमने वेजीज रोस्ट किए हैं प्रगति, उसको हम बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप इसमें अपने मन की जो टॉपिक्स टॉपिंग है वो डाल सकते हैं। ये सब सुनाई देगा इसमें। देखिए अब ये जो हमारे देखिए श्रेडेड चीज है, मोज़रेला चीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट। वाओ, ये देखिए, इट्स लुकिंग सो यम्मी, और ये बिल्कुल हेल्दी है। तो आप इसे पिज्जा बिल्कुल आप खा सकते हैं। देखिए देखिए आपका ये पिज्जा बिल्कुल रेडी है। इसमें इस तरह से देखिए स्लाइस चीज मैंने इसमें डाल दिया, तो और चीजी हो जाएगा आपका ये जो पिज्जा है, और भी बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए इस तरह से आप इसे पूरे पिज्जा में फैला दीजिए। तो इसको हम लोग अगेन अंदर अवन में रखेंगे। ऑलरेडी मेरा जो अवन है वो 400 पे चल रहा है, और इसे मैं फटाफट बेक कर दूंगी क्योंकि एवरीथिंग इज पका हुआ, तो सिर्फ जो हमें करना ऊपर से जो चीज है इसको मेल्ट होना अच्छे से। तो इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा इसका चीज मेल्ट हो रहा है। तो प्रगति आइए, ये देखिए, वाओ, इट्स लुकिंग सो यम्मी, इजंट इट जस्ट अमेजिंग, आई कैन शो यू, लुक, चीज कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। देखिए कितना अच्छा हो गया। अब जो आपने इतना टाइम दिया 20-25-30 मिनट इस पिज्जा के लिए, तो अब हमें इसे थोड़ा सा ठंडा बिफोर इसको कट करने का थोड़ा सा इसे ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग विल बी शैटर्ड इफ विल कट राइट अवे।
तो इसलिए इसे थोड़ा सा टाइम देंगे. ओके. ओ माय गॉड, बट मैं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा सीरियसली. अब इस पे यम्मी. या अब इस पे अपनी ये ऊपर वाली टॉपिंग डाल सकते हैं. ओरिगैनो डालिए, चिली फ्लेक्स डालिए. हमारा पिज्जा जो थोड़ा कूल डाउन हो गया है, अब इसे हम कट करेंगे इस तरह से. ये देखिए, वाह, देख रहे हैं प्रगति आप? वाओ, चीज़ी चीज़ी. ओह माय गॉड, ये देखिए कितना इजीली कट हो गया है. बहुत अच्छा कट हुआ है, बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रस्ट आया है. और ये बिल्कुल पता है कैसा टेस्ट करेगा? जैसा कि थिन क्रस्ट पिज्जा टेस्ट करता ना प्रगति, बिल्कुल वैसा टेस्ट करेगा ये. तो हमने ये एक्चुअली बहुत बार ट्राई किया है और हमें इतना पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करते हैं. ये देखिए, वाओ, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल. नाउ वी कैन नॉट वेट टू ईट इट, सो लेट्स जस्ट गेट ईटिंग. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. हम लोग बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं वीडियो बनाने में, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों के चैनल को. थैंक यू, बाय.